जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास विषय लेकर आए हैं। बच्चों, आदिवासी परीक्षा 2022 है और बोर्ड के एग्जाम में भी बच्चों ये क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो, पूर्णांक 100 है और ये समय 2 घंटे का है। बच्चों, ये पेपर बच्चों हमारे विद्यालय का है, हम लेकर आए हैं, इसको हल करवाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंस है। देखो, बहुविकल्पी प्रश्नों का सही विकल्प चुनिए। देखो, बहुविकल्पी और बच्चों ये जो है NCERT रहेगा, NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंस है, जहाँ जहाँ भी NCERT लगती है सभी के लिए। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन हल करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों का सही विकल्प चुनिए। आज देखो, एक कका है, आज का मानव किस प्रजाति का है? तो आज का जो मानव है बच्चों, होमोसैपियंस। सही जवाब जो है यहाँ एक हो जाएगा। प्रारंभिक औजार कहाँ से प्राप्त किए गए? तो ये क्वेश्चन बच्चों हमको मिला नहीं है, आप लोग कर लेना जो है खोज के। मेसोस का अर्थ क्या है? नदी, मध्य, समुद्र, पहाड़। तो तीसरा गा है बच्चों यहाँ नदी हो जाएगा। मेसोस का जो अर्थ होता है नदी होता है। मेसोपोटामिया की देवी नाना थी। तो मेसोपोटामिया जो देवी नाना थी, प्रेम एवं युद्ध की देवी थी। कौन बच्चों? प्रेम एवं युद्ध की देवी थी। पोटोमेमोस का अर्थ क्या होता है? तो पोटोमोस का जो अर्थ होता है बच्चों, ये जो है मध्य होता है। बाकी शीश मूर्तिकला किस नगर में मिला है? बाकी शीश मूर्तिकला किस नगर में मिला है? तो सही जवाब बच्चों यहाँ ए हो जाएगा, उर हो जाएगा। रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा क्या थी? रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा जो थी वो लातनी थी। क्या थी? लातनी थी। दीनारियस नामक सिक्के में शुद्ध चांदी होती थी। अगला क्वेश्चन बच्चों, बलात् भर्ती वाली सेना किस देश की थी? तो यहाँ सही जवाब बच्चों हो जाएगा, सी हो जाएगा, रोम की थी। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो मोहम्मद साहब को जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का हुआ था। कहाँ बच्चों हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। चलिए बच्चों, अब हम लोग अदल-गुदरी क्वेश्चन देखेंगे, जो दो दो नंबर ही का है। अदल-गुदरी प्रश्न दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य किन किन महाद्वीपों में फैला हुआ था? तो बच्चों जो रोम साम्राज्य था, तीन महाद्वीपों में फैला था। एक था यूरोप, पहला था बच्चों यूरोप, और उसके बाद में था एशिया। यूरोप के बाद एशिया, उसके बाद में अफ्रीका। इन तीन महाद्वीपों में फैला हुआ था रोम साम्राज्य जो बच्चों, ये तीन महाद्वीपों में फैला हुआ था, यूरोप, एशिया, अफ्रीका महाद्वीप, ये तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या किसने किया? 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या किसने किया? तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग जो है। देखो, 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या रोमन तानाशाह के एक समूह द्वारा हत्या कर दी गई थी। नहीं, 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या रोमन तानाशाह जो था उसके एक समूह द्वारा जो है हत्या कर दी गई थी। चौथा है क्वेश्चन है, इस्लाम में चारों खलीफा के नाम बताओ। इस्लाम में चारों खलीफा के नाम बताओ। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे बच्चों। देखो, इस्लाम में चार खलीफा थे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ये जो है चारों खलीफा थे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑन द ओरिजन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? बच्चों बहुत सरल है, ऑन द ओरिजन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के जो लेखक हैं, चार्ल्स चार्ल्स डार्विन है। कौन बच्चों? चार्ल्स डार्विन है। ऑन द ओरिजन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के जो लेखक हैं, चार्ल्स डार्विन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6वां है, मेसोपोटामिया का अर्थ बताओ। मेसोपोटामिया का अर्थ बताओ। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग जो है, मेसोपोटामिया के अर्थ क्या होता है? देखो बच्चों, मेसोपोटामिया जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसो प्लस पोटामिया, मेसो प्लस पोटामिया। देखो, मेसो का अर्थ होता है बीच, मेसो का अर्थ होता है बीच अथवा मध्य, और पोटामिया का अर्थ होता है बच्चों नदी। पोटामिया का अर्थ क्या होता है? नदी। अर्थात दो नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता है। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया जो है कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है, अब हम लघुत्तरी क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, जो 5 नंबर का मिलेगा। देखो, जीवाश्म का अर्थ क्या होता है? स्पष्ट करो। जीवाश्म, देखो बच्चों, जीवाश्म किसे कहते हैं? देखो, पृथ्वी के अंदर
देखो लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पे क्या हो गया बच्चों, उथल पुथल हुआ था, जिसके कारण जो है पेड़ पौधे क्या हो गए थे, दब गए थे, दब के नीचे चले गए जीव जंतु, पेड़ पौधे नीचे दब गए। और जब उसको खुदाई वगैरह हुई तो बच्चों जो पृथ्वी के नीचे जो सड़े गले अवशेष होते हैं पेड़ पौधों जीव जंतुओं के, सड़े गले अवशेष को जब खुदाई किया जाता है तो बच्चों उसी को जीवाश्म कहते हैं। आप लोग समझ गए ना, पृथ्वी के अंदर जो पेड़ पौधे जीव जंतु के दबे सड़े गले अवशेष को जीवाश्म कहते हैं, यही जीवाश्म परिभाषा है। अगला देखो, 8वां क्वेश्चन है बच्चों, होमिनिड की विशेषता बताओ, होमोनिड की विशेषता बताओ। आइए इसका उत्तर देखेंगे 8वां का, होमोनिड की विशेषताएं हैं, डालेंगे हम लोग होमोनिड की विशेषताएं। देखो होमोनिड की अनेक विशेषताएं हैं, होमोनिड की जो है अनेक विशेषताएं हैं, जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार, पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता, दो पैरों के बल चलना, हाथ की विशेष क्षमता जिससे वह औजार बना सकता था और उनका जो है इस्तेमाल कर सकता था, इसी को बच्चों होमिनिड की विशेषताएं कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेसोपोटामिया देवी नाना के विषय में आप वही समझे कि युद्ध एवं युद्ध की देवी थी नाना, रोमन साम्राज्य की देवी देवताओं के बारे में प्रकाश डालें, प्रिंसिपेट का अर्थ समझाइए, उमर खयाम के बारे में क्या जानते हैं, सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बच्चों, कक्षा 11 प्लेलिस्ट के माध्यम से आप हिस्ट्री देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो में अंतर बताओ, रोमन साम्राज्य के धार्मिक विषय पर प्रकाश डालें। उसके बाद देखो यहाँ पर है निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थान भारत के नक्शे दर्शाएं, मोहनजोदड़ो, रोम, मक्का, संगम, प्रयागराज, ओटू ओट डुई। उसके बाद 17 है निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों को महत्वपूर्ण लिखें, देखो तमाम तिथियां बहुत कठिन नहीं, सब मिल जाएंगे बच्चों आपको बुक वगैरह में मिल जाएंगी। 570 ईस्वी आप जानते हैं हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। उसके बाद में ये देखो 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। तमाम तिथियां हैं आपको सब मिल जाएगा जो है।